देखिए राजीव जी, मैं शुरू करूंगा उसी बर्बरी की टी शर्ट से। अगर वो टी शर्ट मोदी जी ने पहनी होती और उनकी आलोचना हुई होती तो कोई उद्योगपति लाखों और करोड़ों रुपए में उस टी शर्ट को खरीद लिया होता। कम से कम राहुल गांधी ने ये काम नहीं किया। उसको उसको ब्रांड नहीं बनाया उन्होंने कि एक बड़े महान व्यक्ति ने पहनी और हम खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के टी शर्ट पर आकर के बीजेपी इसलिए रुक जा रही है क्योंकि उसके लिए मुसीबत बन रहे हैं राहुल गांधी के वे अल्फाज, वे शब्द जो वो लगातार अपने मुद्दों में उठा रहे हैं। वो महंगाई पर बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, वो मीडिया का जो पूरा तंत्र है और जिस तरह से वो सरकार परस्त हो गया है उस पर वो बात कर रहे हैं, और वो अंबानी और अडानी पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो राहुल गांधी का जवाब कैसे दे। होना तो ये चाहिए था कि आप इस लकीर के सामने कोई बड़ी लकीर खींचते। मोदी जी 3500 किलोमीटर की जगह 4500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते थे, या मोदी जी नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम और लोग कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका मकसद भारत को जोड़ने का नहीं है। उनका मकसद पूरा ट्रोल आर्मी लगा करके इस देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बर्बाद करना है, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना है, जातिगत वैमनस्य पैदा करना है, और उसके जरिए वोट उगाह करके सरकार बनानी है, सत्ता हासिल करनी है। ये उनका बुनियादी मकसद है। वो चाहते हैं कि इस देश के लोगों में नफरत बनी रहे, हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति, और जो जातिगत संरचना भारत की है उसमें भी एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बना रहे, और उस वैमनस्य के जरिए वो अपना काम निकालते रहे। आपको याद होगा नोटबंदी, नोटबंदी अब भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्य प्रणाली के बारे में कोई टिप्पणी की हो, उन्होंने कहा हो कि सरकार का वो काम गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए जो नफरत उस समय पैदा की जा रही थी गरीब और अमीर के बीच में, गरीबों के मन में ये भाव पैदा किया जा रहा था कि देखिए जितने करप्ट लोग हैं वो अपना पैसा पानी में बहा रहे हैं, वो नकली जो कुछ चित्र आ रहे थे उनके जरिए चीजें पैदा की जा रही थी। कोरोना की आपदा आई, पूरी दुनिया में वो आपदा थी लेकिन भारत में वो कोरोना जिहाद हो गया था। राहुल गांधी उस समय चेता रहे थे लोगों को, लेकिन कहा जा रहा था कि ये गफलत पैदा करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को दहशत में ला रहे हैं। वही राहुल गांधी जब उन्होंने इकोनॉमी पर बोलना शुरू किया तमाम इंटरव्यूज के जरिए, उस समय भी राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा था, और उन जिस शब्द में राहुल गांधी को व्याख्यात करती है बीजेपी वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने इस संघर्ष के जरिए, इस पैदल यात्रा के जरिए जो बहुत साहसिक और ऐतिहासिक कदम है, इस देश में कभी इतनी लंबी पैदल यात्रा नहीं हुई जितना मेरी जानकारी में है, इतिहास में भी इतनी लंबी पैदल यात्रा नहीं हुई। और उसके बाद बीजेपी बहुत परेशानी में है, बहुत तनाव में है कि जो जनमानस बन रहा है, और इसकी बड़ी सफलता यह है कि इस देश में जो नैरेटिव चल रहा था उस नैरेटिव को बदला है राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए। अब नैरेटिव क्या है कि एक नेता को पैदल चलना है और वो पैदल चल के लोगों से जुड़ रहा है। जो लोग शिकायत करते थे कि राहुल गांधी या किसी भी नेता के लिए कि वो जनता के बीच में नहीं जाते, जनता से कनेक्ट नहीं करते, राहुल गांधी ने जनमानस में ये नैरेटिव पैदा कर दिया है कि असली नेता वो होगा जो लोगों से मिलेगा, जो हमारे बीच में होगा, जो पैदल चलेगा, जो हमारे लिए इस सर्दी में भी टी शर्ट पहन करके आएगा, वो मुसीबत में होगा। और राहुल गांधी कह कह रहे हैं कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछते हैं, ये सवाल उन किसानों से, मजदूरों से क्यों नहीं पूछते जो लगातार इसी तरह के कपड़े पहन करके सर्दी में जीवन अपना गुजारते हैं। तो राहुल गांधी डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, उन्हें का वो अपना वेशभूषा भी बनाए हुए हैं। ये सिर्फ टी शर्ट पहनने की बात नहीं है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं। और राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मुझे जब सर्दी लगेगी तो मैं स्वेटर भी पहन लूंगा, ये कोई बहादुरी नहीं है। दरअसल ये उन लोगों से कनेक्ट करना है कि जिन लोगों के पास अभी आधी वाहक के कपड़े हैं, जिन लोगों के पास पूरे कपड़े नहीं है पहनने के लिए इस ठंड में, उनसे वो कनेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी अपने आप को टी शर्ट में दिखा रहे हैं, उन्हें कोई ना तो शौक है और ना ही वो बहादुरी दिखा रहे हैं, और ना ही इसमें उन्हें कोई गोल्ड मेडल जीतना है। मोदी जी वो काम करते हैं,
मोदी जी लगातार 10-10 कैमरों के बीच में वो वहां पर अपने तमाम तरह के नए नए चित्र ले आते हैं, दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, उन पर सवाल नहीं पूछा जाता कि मोदी जी ने 3 बार ड्रेस बदली है, लेकिन राहुल गांधी एक ही टी शर्ट पहन रहे, तो उस पर भी सवाल होंगे, और वो इसलिए है कि राहुल गांधी को तो डैमेज करना है। ये ऐसे क्यों हो रहा है, लोग को क्यों जान रहे कि राहुल गांधी में इतना साहस है, राहुल गांधी लोगों से इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी उन बुनियादी सवालों को उठा रहे हैं, ये चिढ़ और ये कुड़हन और ये ईर्ष्या बीजेपी में है, और वो डर भी है कि जिसके जरिए राहुल गांधी पूरे देश में आज लोगों की उम्मीदों का एक स्थायी स्तंभ बन रहे हैं, इसको लेकर के बीजेपी परेशान। जी आना चाहता हूं दीपक जी सीधे आपके पास।